सो फ्रेंड्स, तो क्विक अपडेट में बात कर लेते हैं 2022 की मोस्ट एंटिसिपेटेड टॉप 10 फिल्मों की, जिस लिस्ट को रेडी फैंडैंगो वालों की तरफ से किया गया है। असल में इस साल की सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड फिल्में कौन कौन सी है जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेट डीसी की तरफ से इस मोस्ट एंटिसिपेटेड की लिस्ट में फिलहाल तो दी फ्लैश फिल्म नहीं है, जो ज्यादा शॉकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिल्म को लेकर स्टूडियो उतने अच्छी तरीके से प्रमोशन नहीं कर रहा जितना असल में उस फिल्म का होना चाहिए था। लेकिन जो भी हो, बाकी की डीसी के यूनिवर्स की तरफ से दो फिल्में इस लिस्ट में तो आती ही है। जिसमें अब 10th पोजीशन की बात करें तो ये नाम मिशन इम्पॉसिबल 7 का है, और 9th पोजीशन पर टॉम क्रूज की ही अपकमिंग फिल्म टॉप गन मैवरिक को रखा गया है। उसके बाद है 8th पोजीशन पर एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम, 7th पोजीशन पर अवतार 2, 6th पर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, 7th पर है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन, 4th की पोजीशन थॉर लव एंड थंडर की है, और 3rd पोजीशन पर द बैटमैन फिल्म है, जिसे असल में इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड की फिल्मों की लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर होना चाहिए था। लेकिन अब जब रिपोर्ट निकल कर आई है तो उसे लेकर भी ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी 2nd पोजीशन की बात करें तो 2nd पोजीशन पर आती है सोनी पिक्चर्स की एनिमेटेड स्पाइडरवर्स की फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स पार्ट 1, और फर्स्ट पोजीशन है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म की। जी हाँ, ये फिल्म फर्स्ट पोजीशन पर है, जिसे लेकर फैंडैंगो वालों की तरफ से अपडेट भी दिया गया है कि इस फिल्म को लेकर उनका सर्वे पूरा श्योर है, क्योंकि ऑलमोस्ट 6000 लोगों के वोट्स इसी फिल्म को मोस्ट एंटिसिपेटेड की लिस्ट में डालते हैं, जिसके पीछे का रीजन तो आप सभी को पता होगा, और इस फिल्म को लेकर चल रही कॉन्ट्रोवर्सी को भी, जिसे पूरी तरीके से कवर मैंने अपने इसी चैनल पर कर रखा है। बाकी अब आपकी राय क्या बनती है इस फैंडैंगो वालों की रिपोर्ट को लेकर, कि ये मोस्ट एंटिसिपेटेड की लिस्ट सही है या नहीं, उस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय।